चीज यदि यहाँ के सब किस घर में भरपूर रहे तो नौकरी करे जेबे नहीं करबे। हमारा अभाव है, भूख लागल है, अन्न चाहिए, वस्त्र नहीं, कपड़ा चाहिए, घर नहीं, मकान चाहिए, ऐ सब आवश्यकता के पूर्ति कर के तें द्वारे हम नौकरी कर दे, ठीक है, तें द्वारे हम बिजनेस करे, ठीक है, ऐ सब के पूर्ति कर के पढ़ाई के उद्देश्य की छे से हमरा सब के ठीक से बुझवा छे। यदि अहां बुझत चाहिए तो हम बुझाबी की बुझत चाहिए छी। एक का छोटका बच्चा छे 6 महीना कते दिन के 6 महीना के, वो 6 महीना के बच्चा और आज अनित रहे छे अनित रहे छे ए बी सी डी नहीं जानत रहे छे। वो धीरे-धीरे बोले छे तो किस बात मां सिखेलक बुआ कही पापा मम्मा है तो मां सिखेलक तकर बाद में बाबूजी सिखेलकी बल्कि दीदी सिखेलकी भैया सिखेलकी धीरे धीरे समाजों में भी सिखल के अब स्कूल जाए लग लेते हैं। स्कूल में सिखल के एक फट दी फट ठीक है तो बचपन से धीरे 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 इना सीखे सीखे तो हम गेली पांचवी क्लास में तो पांचवी के बाद सीखल ही आठवीं में गेली था और दसवीं में गेली था अभी मैं हम सब दसवीं तक भी रहती हूँ अहाँ के हम पूछब जो बारहवीं के बाद बताओ तो बता देवे किया नहीं बताबे अखन पढ़ाई तो पढ़ाई हम अहाँ किया के लिए पढ़ाई के लिए जे बात सब नहीं बुझे छलिए से बात पहला क्लास में पहला क्लास के बाद बुझल लेल पांचवा क्लास में पांचवीं के बाद बुझा के लेल आठवीं में आठवीं के बाद दसवीं में दसवीं के बाद बीए में पढ़वे तक बीए के बाद इंजीनियरिंग में पढ़वे था इंजीनियरिंग के बाद डॉक्टरी पढ़वे था डॉक्टरी के बाद जे चीज पढ़वे से बात बुझो है ना। तो पढ़ाई के उद्देश्य तो बुझना ही होगे ना पढ़ाई के उद्देश्य की भेल हम किया पढ़े छे तो जे बात नहीं बुझे छे तई बात के बुझा लेल तई बात के सीखा लेल हम कथी करे छे। अब इनमें दो रंग के बात है देते हम जो पढ़ाई कर छी तो इनमें दो रंग के बात है। एक बच्चा छे छेहुनिया तक चलित रहे छे